फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे। ये पोशाक हमने सिर्फ नेट के फैब्रिक से बनाई है, साथ में हमने एक इस तरह की लेस यूज़ की है और आप इसे चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और ये मोती, बस इतनी चीज़ हमने एक्स्ट्रा ली है। तो इसे बनाना बहुत ईजी है, इस लेस की जगह पर आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल हो। और हमने इसे नेट से बनाया है, मैंने आपको पहले क्लियर किया। तो वीडियो के एंड में मैंने गोपाल जी को पहना के भी दिखा दिया और थंबनेल में आपने फ़ोटो देखी होगी कि गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें। जब भी अपने सिंहासन पर बैठेंगे तो ये पूरा पीछे से ऐसे आ जाएगी, एकदम मल्टी कलर में, देखिए बटरफ्लाई का लुक आएगा। और इसे बचे हुए कपड़े से हमने बनाया है, तो आप बहुत ही ईजिली थोड़े थोड़े कपड़े से इसे बना सकते हैं। और साथ में हमने पगड़ी भी बनाई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस तरह की पोशाक परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके ड्रेस परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन मिला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये देखिए, हमने यहाँ पर काफ़ी सारे कलर के फैब्रिक ले लिए हैं। ये देखिए, सब मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं आपको इसमें से एक दिखाती हूँ। यहाँ पर टोटल 8 कलर के फैब्रिक मैंने लिए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो भी आपके पास बचा हुआ पीस हो वो आप ले लें। और ये मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए लिए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने 12-12 इंच ली है और सभी की लंबाई चौड़ाई 12-12 इंच ही है। और अब मैं सभी साइज के लिए आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। 0 साइज के लिए हमें 5 इंच लंबाई और चौड़ाई चाहिए, 1 नंबर के लिए 6 इंच, 2 नंबर के लिए 7 इंच, 3 नंबर के लिए 8 इंच, 4 नंबर के लिए 9 इंच, 5 नंबर के लिए 10 इंच, 6 नंबर के लिए 11 इंच, 7 नंबर के लिए 12 इंच, 8 नंबर के लिए 13 इंच, 9 नंबर के लिए 14 इंच और 10 नंबर के लिए 15 इंच। तो ये तो हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात। अब हम इसे कैसे सिलेंगे, ये देखिए सिंपल साइज ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमें ऐसे प्लेट डाल के एक सिलाई लगानी है बीच से। ये देखिए, ऐसे एक के ऊपर एक प्लेट डालेंगे और यहाँ एकदम सेंटर से सिलाई लगाएंगे। ये ऐसे करके एक के ऊपर एक प्लेट डालते जानी है और सिलाई लगाते जानी है। और इसके बाद हम तुरंत ही अपना दूसरा कलर लेंगे और उसे भी लगाएंगे। तो इसे लगाएंगे कैसे, ये देखिए, पहले हम इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे फ्रंट से और तब यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और इसे भी हम ऐसे लगाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, तो चलिए ऐसे करके हम अपने सभी पीसेस को यहाँ बीच से एक बार सिलाई लगानी है। तो लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है, आप देखें ये पूरा हमने इसे ऐसे करके स्टिच किया है। इसे सिलना बहुत ईजी है गाइस, बहुत ही ईजी, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको मेज़रमेंट एक बार फिर बता देती हूँ सभी साइजेस के लिए। ये जो हमने सिलाई करके ले आई है यहाँ पे, ये हमने जितनी दूर सिलाई लगाई है ये हमारा 5.5 इंच है। 7 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने इसे 5.5 इंच रखा है। अब मैं आपको सभी साइजेस के लिए बता देती हूँ। 0 साइज के लिए हमें 2 इंच रखना है, 1 नंबर के लिए 2.5 इंच, 2 नंबर के लिए 3 इंच, 3 नंबर के लिए 3.5 इंच, 4 नंबर के लिए 4 इंच और 5 नंबर के लिए 4.5 इंच, 6 नंबर के लिए 5 इंच, 7 नंबर के लिए 5.5 इंच, 8 नंबर के लिए 6 इंच, 9 नंबर के लिए 6.5 इंच और 10 नंबर के लिए 7 इंच। ये वाली हमारी जो लंबाई होगी, अभी मैंने वो बताई, ये जो मैंने सिलाई करके ले आई है। और देखिए, अगर आपका ये छोटा होता है तो ऐसे ही एक आगे स्ट्रिप लेके यहाँ पर ज्वाइंट कर लें तो बड़ा हो जाएगा। और सिलते वक्त आप नापते रहें जिससे आपका ये बड़ा ना हो जाए, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको खोल के छोटा करना पड़ेगा, तो आपको इतना ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है हिस्सा इधर से इसे हम ऐसे करके प्लेट डालेंगे और सिलाई लगाएंगे। मतलब ये हल्का सा हमारा राउंड शेप आना चाहिए। ये ऐसे करके एक दूसरे की प्लेट सेट करते हुए और सिलाई लगाएंगे, ये देखिए ऐसे करके। तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं सिलाई। जैसे हम इस साइड सिलाई लगाएंगे वैसे इधर का भी हम राउंड शेप में करेंगे। चलिए सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम ये हल्की सी, बस हमने हल्की सी यहाँ पे देखिए तिरछी आ गई है, तो बस यही हमें करना है। अब हम इसे यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए, हमने कटिंग कर दी। अब हमें यहाँ बीच में कट करना है, तो बीच में कट करने से पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, नहीं तो ये प्लेट्स हमारी खुल जाएंगी। तो चलिए पहले मार्क करते हैं फिर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मार्क करने के लिए हमने ऐसा एक सर्कल में लिया है। आप अपने गोपाल जी के कमर के अकॉर्डिंग ले लें, जितने भी कमर आपको बड़ी कट करनी हो। आप किसी भी अपने गोपाल जी की पुरानी पोशाक से देख सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे।
ये देखिए हमने मार्क कर दिया। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे और इधर हमने थोड़ी कम जगह छोड़ी है और इधर की साइड हमने थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़ी है, इस चीज़ का ध्यान देना है। चलिए सिलाई लगा लेते हैं फिर कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है, ये देखिए, और इधर से भी लॉक कर दिया। और यहाँ पे हमने नेफा नहीं लगाया, डायरेक्ट इसके ऊपर डोरी रख के स्टिच कर दी, क्योंकि देखिए अगर हम नेफा लगाते तो हमें किसी एक कलर से लगाना पड़ता, फिर वो हमारा काफ़ी चौड़ा सा दिखता तो बहुत दिक्कत होती। और ये हमारा नेट का फैब्रिक होता है और ये बहुत सॉफ्ट होता है तो ये कान्हाजी को चुभेगा भी नहीं और ये खुलता भी नहीं है, जैसे साइड से इसके रेसे नहीं निकलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नेफा नहीं लगाया है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ देखिए ये इस तरह की लेस ली हुई है, इसमें से ये थोड़ा सा हम चौड़ा पीस कट करेंगे। ये हमने कट किया, अगर हम इसे यहाँ पे रखें तो देखिए ये इतना बड़ा है, इसे हम ऐसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहाँ पे हम हल्की सी शेप देंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए, और इसे यहाँ पे हम चिपका लेंगे ऐसे करके, ये चिपक जाएगी। और इस साइड भी हम इसमें से पतला पतला काट के और यहाँ पे हल्का हल्का सा लगा लेंगे। तो चलिए हम इतना काम करते हैं और ये देखिए कैसे ये चिपकेगी, ये यहाँ पे ऐसे करके चिपक जाएगी ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इसे चिपका लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे चिपका लिया है और इधर से चिपका लिया है और यहाँ पे मैंने ये चार स्ट्रिप लगा दी है, ये देखिए सिंपल सा हमने चार स्ट्रिप लगाई है, सॉरी कैमरा हिल गया, यहाँ पे सिंपल सी ये देखिए चार स्ट्रिप लगा दी है, ये दो एक कंधे से आ जाएगी और दो एक कंधे से आ जाएगी, ये देखिए ऐसे करके हम कान्हाजी को पहना लेंगे तो ये दोनों कंधे पे आ जाएगी। और यहाँ पे हमने कर लिया है और ये हमने टिशू रिबन ही लगाया है, तो आप इसकी जगह पे कुछ भी लगा सकते हैं, आपके पास अगर टिशू रिबन ना हो तो आप जो नॉर्मल रिबन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है, यहाँ से देखिए हमने ये जो डोरी सिली थी इसके हेल्प से बांध देंगे। अभी मैं गोपाल जी को पहना के भी दिखा दूँगी और बहुत ही ईजी और आसानी से हमने इसे बनाया है। अब पगड़ी के लिए देखिए हमने यहाँ पर चार पाँच कलर ही लिए हैं क्योंकि हमें बहुत चौड़ी पगड़ी नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, ये देखिए मान लीजिए हमारे ये कान्हा जी का सर है, हम क्या करेंगे इसे मेज़र कर लेंगे ऐसे राउंड में, ये देखिए ये हमारा 7 इंच आ रहा है तो हमें 8 इंच लंबाई का फैब्रिक चाहिए। ये जो हमने यहाँ पे फैब्रिक की लंबाई ली है, ये देखिए ये तो मैंने अपने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए ली है, ये भी लगभग 8 इंच ही है तो हमें ऐसे करके मेज़र कर लेना है, जितनी भी लंबाई आती है उसमें आप 1 इंच प्लस कर लें और इसकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखिए इसकी चौड़ाई 5-5 इंच रखी है, इसे भी हम सेम तरीके से स्टिच करेंगे। यहाँ से देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और प्लेट्स डाल लेंगे, ये देखिए जैसे हमने अपने ड्रेस पर प्लेट डाली थी वैसे ही प्लेट डालनी है। और फिर इसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे करके हम 20 से एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिलाई लगा लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बीच में सिलाई लगा ली है, अब हम साइड से क्या करेंगे, इन सभी को भी ऐसे हल्का हल्का सा फैला लेंगे, बहुत हल्का हल्का सा, और स्टिच कर लेंगे जैसे हमने अपनी ड्रेस पे स्टिच किया था। दोनों साइड से हमें सिलना है, चलिए सिल लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड से सिलाई लगा दी, अब हम क्या करेंगे इसे ऐसे डबल करेंगे और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ, बट देखिए यहाँ से ऐसे राउंड में सिलाई लगानी है। चलिए हम लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है, अब हम इसे हल्का हल्का सा मार्जिन रख के कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया, अब सीधा करेंगे। ये देखिए अब हमने क्या करना है, ये बीच वाले जो सिलाई है ये हमने वायर ली है यहाँ से डालेंगे और इसे हम एकदम पतला करेंगे ऊपर वाले को भी, जिसे हमारा पूरा शेप में लगे, और यहाँ से इसे हम ले आएंगे और लॉक कर देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया है और ये अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है तो आप कट भी कर सकते हैं और या फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, बट ये ऐसे ही रहेगा। ये देखिए ये पहनाने में बहुत ही सुंदर लगेगा, अभी मैं गोपाल जी को पहना के दिखा भी दूंगी। ये देखिए हमने यहाँ इसके ऊपर एक बूटी लगा दी है और ये हमने तारों में मोती डाल दी है, ये हमने 1 नंबर में गोल्डन कलर की मोती डाली है। अब इसे हम लॉक कैसे करेंगे ये देखिए,
एक मोती इसमें से हम यहाँ लास्ट में लेके आएंगे और इसे ऐसे तार के साथ हम रोल करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे करके रोल कर देना है। बस अब ये लॉक हो गई। ये देखिए, अब इसे हम शेप दे देंगे। ये हो गया, बहुत इजी है बनाना। तो चलिए अब पहना के भी देख लेते हैं गोपाल जी को कि उनके ऊपर ये कैसी लग रही है। अब देखिए, हमने यहाँ पे गोपाल जी को ले लिया है, तो सबसे पहले तो हम इन्हें पोशाक पहनाएंगे। ये देखिए, दोनों डोरी को हम इधर से करके ऐसे पूरा बैक पे ले जाएंगे, जिससे पूरा अच्छे से फिटिंग आए और हम बहुत अच्छे से बांध सकें। तो बैक पे बांधेंगे हम इसे, फ्रंट से ले आके बैक पे बांध देंगे। ये देखिए, हमने बांध दिया। अब हम इन दोनों को आगे ले आके और अपने ड्रेस के अंदर ऐसे छुपा देंगे, जिससे ये दिखे ना। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की हो गई। जब हम सिंहासन पर बैठाएंगे गोपाल जी को, तो पीछे से ये ऐसे आ जाएगी, तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। अब ये पगड़ी है, तो पगड़ी हम बाल के साथ सेट करके फिर लगाएंगे। मैं कोई भी पगड़ी गोपाल जी को इसी तरह से पहनाती हूँ। इस तरह से पहनाने में, एक तो पहनाने में ईजी रहेगा और दूसरी चीज़ है कि हमें बाल सेट करने में बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने पगड़ी लगा दी। चलिए, अब मैं सामने से दिखाती हूँ कि ये गोपाल जी के ऊपर कैसी लग रही है ड्रेस। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गोपाल जी को पोशाक पहना लिया और आई थिंक लाइट बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा कम करती हूँ। अब देखिए, अब एकदम वाइट नहीं लग रहा है, ठीक है। अब तो ये कुछ इस तरह की पोशाक आई है। ये देखिए, ये ऐसे लग रहे हैं गोपाल जी। बहुत ही सुंदर और आसानी से बनने वाली पोशाक है और बहुत ही कम सामान में आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।